हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ आई एम योर ट्रेनर अरुण चौहान एंड एम बैक अगेन टुडे विद अनदर वीडियो आई होप यू ऑल आर वाचिंग माय अदर वीडियोज एज वेल जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट नाम से एक प्ले सॉरी मैंने एक टिप्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो मेरी यूट्यूब के ऊपर है जिसके अंदर मैं कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ तो मेक श्योर sure कि आप वो प्ले जरूर देख रहे हैं इसके अलावा जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने आगे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको लगातार पता चलता रहे इसके अलावा अगर आप इंग्लिश या किसी भी इंग्लिश एग्जाम रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बेझिझक आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि है आयल्स विद अरुण ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई ई एल टी एस डब्ल्यू आई टी एच ए आर यू एन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम फ्रेंड्स आज की वीडियो आगे बढ़ने से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले

जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वोकेबरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है किसी से भी कम्युनिकेट करने का क्योंकि आप अपना मैसेज तभी डिलीवर कर सकते हो जब आपके पास कोई वेरी वोकेबरी होगी अगर आप एक ही वर्ड को बार बार बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है बट जब आप एक ही चीज़ को अलग अलग वे में बात कर सकते हो समझा सकते हो तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड ठीक है प्लस वोकेबरी का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब सामने वाला कुछ कह रहा हो आप उसकी बात को समझ पाओ सो so, फॉर हैविंग यू नो अ गुड टू वी कम्युनिकेशन वोकेबलरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सो so, चलते हैं हमारी आगे फ्लो चार्ट की तरफ हमेशा की तरह जहां पर हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनको करके हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और राइट लेस गो टू अवर स्क्रीन फ्रेंड्स सो वी आर बैक टू अवर फ्लो चार स्क्रीन और जैसे मैंने कहा आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू इम्प्रूव वोकैबलरी राइट सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रीड अब रीड से मेरा क्या मतलब है ओके okay? तो जब भी हम कहते हैं कि कि रीड तो मैं आपको कहना चाहता कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ो अब पढ़ो से ये मतलब नहीं है कि यू नीड टू रीड द सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स राइट यू कैन रीड एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट माइट भी रिलेटेड टू स्टडीज दैट माइट नॉट भी रिलेटेड टू योर स्टडीज द होल कॉन्सेप्ट इज टू रीड के पढ़ो उससे क्या होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वो कैबरी के टच में आओगे बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो वो वर्ड्स वर्ड किसी फॉर्म में यू नो दे इज़ अ कंटेंट दैट यू आर रीडिंग सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट राइट फॉर एग्जाम्पल जब हम रोड साइड जा रहे हैं हम कई बार फ्लेक्सेस देखने लगे हुए एड्स लगी होती हैं उसमें भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता ही है सो दे आर सम टाइम वर्ड्स विच वी रियली कै नो अंडरस्टैंड तो वो वर्ड हमें गूगल से चेक करने हैं और फिर उसका मीनिंग देखना है मीनिंग कैसे देखते हैं ये मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि आप गूगल पर जाओ राइट वो वर्ड लिखो स्पेस मीनिंग एंटर मारो तो वहाँ पे उसका मीनिंग लिखा आ जाता है प्लस एक स्पीकर भी होता है आप उसको क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा उसका साउंड क्या है सो दिस इज़ वन वे यूजिंग विच यू कैन गेट टू नो द मीनिंग सो दिस इज़ द इम्पोटेंट ऑफ रीडिंग यू कैन रीड न्यूज़ पेपर्स राइट यू कैन रीड योर स्टोरी बुक्स यू कैन रीड नावल्स यू कैन रीड मैगजीन्स यू कैन रीड ऑनलाइन आर्टिकल्स देर सो मेनी प्लेसेस राइट जैसे फेसबुक पर आप जा सकते हो फेसबुक पर इतने सारे यू नो पेजेस बने होते हैं वहाँ पर चीज़ें आप पढ़ सकते हो

दे okay? आर है जैसे आप क्या कर सकते हो फोन के अंदर बहुत सारी और एप्स इंस्टॉल कर सकते हो जो वो कैबरे रिलेटेड है कैसी वो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्रोम खोला हुआ है ठीक है आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ क्रोम पे जाना फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप गूगल ओपन कीजिए और गूगल पे लिखिए एप्स फॉर वो कैब्रेरी ऐसे आप देख रहे हैं जैसे इतनी सारी ऐप्स आपके सामने आ जाएंगे वकैब्रेरी बिल्डर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऐप जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे वर्ड ऑफ द डे जैसी ऐप होती है वो कैबरी जैसी ऐप होती है आप यहीं पर देख रहे हैं फोर्टी टू मोर अगर मैं इसको क्लिक करूँ कितनी सारी ऐप देखिए मेमराइज जी आर वो कैब्रेरी फ्लैश कार्ड वैबरी इम्प्रूव वो कैबरी डोलिंगो डिक्शनरी वेबस्टर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिक्शनरीज है ठीक है डेली आई टूर इंग्लिश तो ये बहुत सारी ऐप है मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आपको यही पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करनी है देयर बहुत सारी हैं आप कर सकते हो जैसे अगर इफ इफ यू आस्क मी वोकैबुलरी बिल्डर इज अ वेरी गुड ऐप देन अगर आप ये मेडियम वेबसाइट डिक्शनरी यूज करते हो तो ये भी एक बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है कि इससे स्पॉन्सर्ड कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप खुद यूज़ करके देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ठीक है जैसे मैंने कहा मेरी वेबसाइट बहुत बहुत अच्छी रिफाइंड डिक्शनरी है आपको एक चीज रिलेटेड एक वर्ड रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगी जैसे सिनानिम्स एंटानिम्स उसके हिस्ट्री क्या है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ आप उसको मतलब और क्या क्या कह सकते हैं सो दैट इज़ माई सेकेंड स्टेप माई एडवाइस सेकेंड टिप फॉर यू इज़ टू यूज़ एप्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा हम रात रोज रोज़ सोने से पहले फ़ोन क्या कि मत्था टेकते हैं है। राइट सुबह उठते ही आधी रात को भी सो यू कैन और इन ऐप्स में खास बात ये होती है कि आप यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं ऐप को अगर आप इंस्टॉल करके भूल भी जाते हो ना तो नोटिफिकेशन ऐप आप आपको खुद भेजेगा आपको रिमाइंड करेगा कि हाँ भाई आओ इस चीज़ को चेक करो वर्ड ऑफ द डे जैसी ऐप्स में आप डेली का एक वर्ड आपको मिल रहा है आप उसे सीख सकते हो आप उसे डेली यूज उस कर सकते हो आप वो वर्ड किसी और को बता सकते हो तो भी आपके ध्यान में रहेगा सो दिस इज अ वेरी गुड वे यू नो टू इंक्रीज योर वोकैब बैंक एंड दैट इज टू यूज एप्स ना लेट्स गो टू अवर थर्ड टिप एंड व्हाट इज अवर थर्ड टिप हमारी थर्ड टिप जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है राइट अब राइट से मेरा क्या मतलब है राइट विन वी टॉक अबाउट राइट इट मीनस ये लिखो देखो अगर आप ये सोचो कि सिर्फ वर्ड को आप पढ़ लोगे आप उसका मीनिंग याद कर लोगे और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा या बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहेगा तो ये सिर्फ आपका वहम है ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारी जो रिटेंशन पावर है ना बहुत कम है आज जो चीज़ हमें याद है कल तक याद रहेगी नहीं रहेगी हमें तो ये भी नहीं पता जस्ट थिंक अबाउट वन वीक लेटर वन मंथ लेटर वन ईयर लेटर राइट टेन ईयर्स लेटर आप खुद सोचो स्कूल में जो आपने वर्ड्स याद किए या जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो आज हमें कितनी ही याद है क्यों क्योंकि हमने उसे यू नो प्रैक्टिस नहीं किया है चाहे वो बोलने के माध्यम से हो या लिखने के माध्यम से हो दैट इज अ रीजन आई एम सेइंग हियर टू राइट कि जब आप चीज़ों को लिखते हो ना अब लिखना भी कैसे आप अपनी इमेजिनरी स्टोरी बनाओ पहले वर्ड को पकड़ो उसे इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाओ डेली आप एक नया वर्ड सीख रहे हो डेली इमेजिनरी सेंटेंसेस उससे क्या होगा कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो ना तो वर्ड आपको याद रहता है कि मैंने अच्छा उस वर्ड को इस वे में यूज किया था और जब आपके सामने पांच डिफरेंट वर्ड आ जाए तो एक इमेजिनरी पैराग्राफ बनाओ इमेजिनरी स्टोरी बनाओ क्रिएटिवली जब आप यूज़ करोगे ना वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी हमेशा के लिए सो राइट इज अ वेरी गुड राइटिंग इज अ वेरी गुड टेप यूजिंग विच यू कैन यूज योर वो कैब इंक्रीज योर वो कैब बैंक क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो ना तो आपके दिमाग में रजिस्टर होती है आप खुद देख लेना जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियो में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो वैदिक मैथमेटिक्स होती है ना बहुत सही चीज है आपको शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स के लिए बहुत बहुत फाइनेस्ट चीज है जो लोग कॉम्पिटिव एग्जाम में जाते हैं ना वो अपनी कैलकुलेशन वैदिक मैथमेटिक्स से करते हैं लेकिन अगर मान लो आपने एक साल पहले वैदिक मैथमेटिक्स सीखी और उसे डेली यूज उस नहीं करते ना एक साल बाद जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा ना आप ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करोगे मल्टीप्लीकेशन का क्लियर है आप विद मैथमेटिक्स को चाहकर भी यूज नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि आप उसे भूल चुके हो आपको याद ही नहीं होगा कि इसको करने का प्रॉपर वे क्या है इसीलिए राइटिंग इज अ वेरी इंपेरेटिव स्टेप कि आप जितना ज्यादा लिखोगे ना वो वर्ड उतनी बार आपके दिमाग में छपता जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें याद रह जाती है काफी लंबे टाइम के लिए क्योंकि हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड है महत्वपूर्ण जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट आप देखना आपके आसपास पास नाइन्टी लोग इंपॉर्टेंट ही बोल रहे होंगे पर ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट एक वर्ड है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब इंपॉर्टेंट होता है जैसे इंपेरेटिव ही एक वर्ड है तो ऐसे बहुत कुछ है राइट इसलिए प्लीज मेक श्योर अ हैबिट दैट यू आर राइटिंग सो दैट यू वर कैलोरी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस ओके अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ नेक्स्ट टिप जो हमारा है वो है स्टोरी टेलिंग एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टिप यू नो मैंने ये चीज़ खुद यूज़ की है एंड ट्रस्ट मी इट इज हेल्प माई लॉट स्टोरी टेलिंग वाई स्टोरी टेलिंग देखो स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि एक होता है कि इमेजिनरी स्टोरी है कि मैंने खुद बनाई है फिक्टीशन स्टोरी ठीक है एक है मैंने स्टोरी कहीं पर पढ़ी थी अब मुझे किसी को सुनानी है दोनों चीज़ चाहे वो एक इमेजनरी स्टोरी है या स्टोरी एक रियल स्टोरी है उसे सुनाने के लिए मुझे वर्ड्स का यूज तो करना ही पड़ेगा राइट right? तो अब जब मैं वर्ड्स का यूज़ करूंगा तो मैं वो वर्ड्स भी यूज़ कर सकता हूँ ना कि जो मैं डेली सीख रहा हूँ अब यही मैंने थोड़े पहले आपको बताया था ना राइट राइट में क्या करते हैं कि इमेजिनरी सेंटेंस बनाओ ऐसे ही स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि आप कोई भी एक नो you know, ड्रामेटिक सी एक स्टोरी सुना रहे हो छोटे बच्चों को या अपने साथ वालों को कि जब मैं यू नो वेंट ऑन वेकेशन तो मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ तो उसको मैं शब्दों में ढाल के बताऊंगा ना सो ट्राई टू यूज वर्ड्स यू आर लर्निंग ऑन डे टू डे बेसिस सो यू यूज वर्ड्स फॉर ए स्टोरी इट कम्स कम्स आउट आउट वेरी प्लस ऐसे मौके पे क्या होता है कि कई शब्द जो आपने सीखे आपके लिए नहीं थे तो आपकी ऑडियंस के लिए भी नहीं हो सकते थे तो वो आपसे पूछेगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है तो तब आप उनको समझा सकते हो कि फाइन इस वर्ड का ये मतलब था इससे क्या हुआ आपकी रिवीजन भी हो गई ठीक है तो वो वर्ड आपको तो याद हुआ ही दोबारा फ्रेश हो गया आपके दिमाग में और जिसको आप सिखा रहे हो उसने भी आपसे कोई नई चीज़ सीख ली तो दिस इज़ द रीज़न कि जो स्टोरी टेलिंग है ना बहुत पावरफुल चीज़ है यार बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरी टेलिंग करते हैं ट्रस्ट मी हर एक बंदा स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकता हर एक का अपना तरीका होता है याद करने का बट अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है आप कम्यूट कर सक कर सकते हो आपके आसपास हमेशा ऑडियंस होगी जो आपको सुनना चाहेगी अ गुड स्टोरी टेलर यू नो इज़ ऑलवेज इन डिमांड ट्रस्ट मी ऑन दैट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ नेक्स्ट है हमारा वर्ड गेम्स जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या कर सकते हो कि अपने फोन के अंदर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो ऐसे ही और भी ऐप्स आती हैं जो आप सिंपल जाओ प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड या से लाइक यू नो एप्पल है वहां पे आप डालो वर्ड गेम्स तो आपके सामने ना बहुत सारी वर्ड गेम्स ओपन हो जाएगी जिसमें क्या होता है मिसिंग वर्ड्स होते हैं तो आपको वर्ड्स पुटअप करने होते हैं आपका दिमाग तो इससे तेज़ होगा ही आपको नई नई वकैबरी सीखने को मिलेगी आप अपना खुद लेवल सेट कर सकते हैं बेसिक लेवल है इंटरमीडिएट लेवल है एडवांस लेवल है वो आपसे ये भी पूछेगा एक दिन में आप कितना टाइम रिवर्ड कर सकते हो फाइव मिनट टेन मिनट फिफ्टीन मिनट ट्वेंटी मिनट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी गुड गेम ठीक है जैसे हम खेलते होते थे ना मतलब बाकी गेम्स तो आज के डेट में लोग खेलते ही हैं से लाइक जैसे कार रेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें फोन में होती है बट ट्रस्ट नहीं अगर आप वर्ड गेम पर भी अपने दस मिनट दे रहे हो ना एक दिन में आप अपने लिए बहुत अच्छी चीज खुद कर रहे हो चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली जिसका रिजल्ट आपको बाद में ज़रूर मिलेगा ठीक है इसके लिए भी आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं देखते हैं कि क्या मतलब गूगल क्रोम पे हमें वर्ड गेम्स दिखती है कोई लेट्स गो टू गूगल और यहीं पे हम डाल देते हैं वर्ड गेम्स ये देखो खुद ही सेशन में आ गया वर्ड गेम एप्स थी ना हम ये डाल देते वर्ड गेम एप्स डाल के देखते कि क्या कुछ आ रहा है ये देखो कलेक्ट वर्ड वर्डल वर्ड कनेक्ट वर्ड एस्केप्स स्क्रैबल तो ये सारी जो है ना ये ऐप्स हैं और आपकी ये वही ऐप्स है जो मैं आपको भी बता के हटाऊँ जिसमें से आपको कुछ हिंट्स मिलते हैं कुछ वर्ड्स आप खुद डालते हो और वो वर्ड्स बनते हैं ठीक है कई ऐप्स तो ऐसे भी है कि अगर कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं तो वो आपको बताएंगे मीनिंग क्या है उनकी हिस्ट्री क्या है उनकी, उनकी प्रोनांिएशन क्या है कैसे यूज़ करो तो आप इन नो वर्ड गेम्स को भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो खेल खेल के अंदर आप नई चीज़ें सीखते जाओगे और आपका वो कैब बैंक बढ़ता ही जाएगा और ये वो कैब बैंक आपका डे टू डे बेसिस पर बढ़ेगा

इज़ द राइट मीनिंग या जैसे हम कहते हैं ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया उस वैसे ही आपके सामने गेम्स सा आ सकते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ नीचे चार वर्ड लिखे हुए उसका मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल से लाइक मैं कहूँ कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है वॉट डू यू कॉल अ मैन हु यू नो कलेक्ट स्टैम्प्स एंड लर्नस अबाउट डेम्स जो स्टैम्प की बात कर रहा हूँ जो डाक टिकट होती है अब वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है से लाइक डेमोक्रेसी ऑप्शन है आपके सामने डेमोक्रेटिक ऑप्शन uh, है फिर फ्लेटलिस्ट ऑप्शन है आपके सामने एंड देन देर से लाइक यू नो नोबल ऐसे करके ऑप्शन है तो फ्लेटलिस्ट इसका राइट आंसर है तो चार ऑप्शन थे एक आपने चुना तो फ्लेटलिस्ट इज अ पर्सन हूज इन दैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प एंड लोनिंग अबोट दे तो दीज आर वर्ड क्वेस्ट ठीक है जहाँ पे आपको नए नए वर्ड पता पढ़ने को मिलेंगे सो दिस इज ऑल्सो वन वे की जहाँ पे आप अपनी वो क्या बैंक को बढ़ा सकते हो इनके बारे में जान के ठीक है अब चलते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ आज के दिन की जो कि क्या है देखते हैं राइट right, हमारे दिन की लास्ट हुआ वर्ड ऑफ द डे वैसे तो वर्ड ऑफ द डे जब मैं ऐप्स के बारे में आपको बता रहा था मैंने आपको तभी बता दिया था पर वर्ड ऑफ द डे थोड़ा सा अलग इसलिए भी है कि सही लग मैं एक दिन का 20 मिनट नहीं डिवोट कर सकता ऐप्स के ऊपर मैं पंद्रह मिनट नहीं डिवोट कर सकता ऐप्स के ऊपर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है ना सिर्फ इतना ही टाइम है जी मतलब एक दो मिनट पढ़ने का तो उस एक दो मिनट के लिए ऐसी वर्ड ऑफ़ द डे चीज़ बेस्ट है और कई बार क्या होता है कि अन एक फ्री बैठे तो अचानक से मेरे को नोटिफिकेशन पे आता है वर्ड ऑफ द डे तो मैं उसको पढ़ भी लेता हूँ ठीक है विद इन द फ्लिक ऑफ़ सेकंड दस सेकंड में मुझे पता लग गया कि एक नया वर्ड क्या है उसका मीनिंग मुझे पता लग गया मैं थोड़ा सा और डीप डाउन जाना चाहूँ तो मैं पेज खोल के उसके बारे में और भी पढ़ सकता हूँ सो दिस इज़ वन गुड वे जहाँ से आप डेली ना एक नया शब्द सीख सकते हो डेली एक नया शब्द आप सीखोगे आप उस शब्द को अपने बोलने में यूज़ करो अपने दोस्तों को व्हाट्सअप पर बात करते हुए यूज़ कर लो ठीक है तो वो भी आपसे पूछेंगे कि आप उनका मतलब समझाओगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है ठीक है तो चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज़ करते हैं हम देखते हैं हमने क्या देखा हमने देखा कि रीड पढ़ने से मुझे बहुत सारे वर्ड्स पता लगेंगे और उसके बारे में मैं जान सकता हूँ मेरा बढ़ेगा बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो वकेब्ररी के ऊपर आपकी वकेब्ररी बिल्ड करेगी ठीक है जैसे मैं आपको गूगल क्रोम पे खोल के भी दिखाया जो आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो अब सिर्फ ये नहीं है कि इंस्टॉल दस बारह ऐप करके छोड़ दो एक दो ऐप इंस्टॉल कर लो इट्स मोर देन इनफ लिखने से वो वर्ड आपको कितना जल्दी याद हो जाते हैं और आपका वो कैब बैंक बढ़ाते हैं स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ठीक है और एक बहुत अच्छा वे है अपनी वो कैब को बढ़ाने का कि आप स्टोरी सुनाओ उन वर्ड्स को यूज़ करके जो आप नए नए सीख रहे हो देन यू कैन गो टू वर्ड गेम्स और आप वो गेम्स खेल सकते हो वहाँ पे आप से लाइक नई चीज़ें नए वर्ड सीखोगे फिर वो कैब्रेरी कोई सीधा सीधा जो वो टेस्ट करता है एंड देन कम्स वर्ड ऑफ द डे वर्ड ऑफ द डे में ये है कि आप डेली एक नया वर्ड सीखने वाले हो

if you have any suggestion for me please फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कामेंट सेक्शन और इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डॉप मिन ई मेल एट आयल्स विद अरुण एट द रेट जी मेल ठीक है इसके गर, अलावा अगर अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं एंड जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी अच्छी वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे एंड प्लीज़ यू नो just forward these videos to all your friends so that you know i can get to know that a lot of other new viewers are getting attached to me and i will also feel motivated to make more videos all right till then uh, i'll see you again in another video till then signing off thank you so much for your time i'm your trainer arun chohan take care and have a great day ahead